हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबको मैजिक जोन के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज एक बहुत ही यूनिक सा मैजिक होगा। दोस्तों कैसा होगा अगर इस ताश के पत्ते को मालूम पड़ जाए कि आपका बर्थ डेट कब है। अच्छा सुनने में लगता है, तो जब करेंगे तब और भी अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं। तो अभी जल्दी से पैकेट को कर लेते ओपन और अब इसको कर देते एक रैंडम सा शफल। ठीक है, एकदम मिक्स कर दिए। ओके, तो अब कैमरा के पीछे मेरा एक दोस्त है अमित, तो मैं अमित को बोलूंगा कि कहीं पर भी मुझे एक जगह स्टॉप बोलने के लिए। ठीक, कहीं पर भी स्टॉप इधर। ओके, तो इधर वाला कार्ड लेंगे, कोई चालाकी नहीं। अमित तुम ये कार्ड देख लो, मैं नहीं देखूंगा और मैं अपने दोस्त को भी दिखा रहा हूँ, तो आप लोग भी देखिए। तो अब इस कार्ड को मिक्स कर देंगे इस पूरे पैकेट में। ओके, तो इस पूरे पैकेट में हम लोग इसको मिक्स कर दिए। तो अमित, मिक्स करते करते क्या तुम्हें अभी तुम्हारा बर्थडे याद है? मतलब, बिल्कुल। तो बताओ, सिर्फ डेट बताओ, कौन से दिन में तुम? सेकंड हाँ। मतलब दो हाँ। ओके, तो तुम ये नंबर बढ़ाना चाहोगे या फिर घटाना चाहोगे, ऐसा कुछ? मतलब तुम्हें अगर ये नंबर पसंद नहीं है तो तुम नंबर बढ़ा भी सकते हो, ऐसा कुछ होगा? जो है वही रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स उसका बर्थडे है 2 तारीख को, तो हम लोग सिर्फ इधर से और बाकी सारा कार्ड अपने इधर से अलग कर लिए। तो तुमने बोला है 2, राइट? तो 1 2, राइट? yes. यही है 2 yes. तो तुम अगर 1 बोलते शायद कुछ अलग कार्ड होता। तो तुमने बोला है 2, तो दूसरा कार्ड क्या है चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। दूसरा कार्ड है, मतलब जो उसने बोला है, तो यही है तुम्हारा कार्ड हाँ। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये मैजिक? अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर नए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, क्योंकि मैं हर दिन लाता रहता हूँ नया मैजिक। तो चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं इस ऑसम से मैजिक के पीछे का सीक्रेट। तो फ्रेंड्स चलिए जानते हैं कैसे मैंने ये मैजिक किया। आप लोग इसको कर सकते हो और किसी के साथ भी कर सकते हो। ठीक है, ये मतलब मेरा गो टू रूटीन है। मतलब जब कोई बोलता है कार्ड मैजिक दिखाओ, तो मैं ऐसे टाइप के मैजिक को दिखाना पसंद करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है और लोगों के बर्थडे के साथ होता है तो लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। हालांकि इसमें बर्थडे कोई मामूली, मतलब कोई मैटर नहीं रहता। ठीक है, आप आगे जान पाओगे। तो हम जो कर रहे हैं उसको मैं कुछ स्टेप में आपको डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो पहले ऑडियंस, जो कार्ड ऑडियंस चूज कर रहा है वो एकदम ही सिंपल है, मतलब नेचुरल है, वो कोई रैंडम है एकदम, कोई भी कार्ड वो लोग चूज कर सकते हैं। तो हमें जो करना है वो है इस कार्ड को डेक के टॉप पोजीशन में होल्ड करना। ठीक है, देख लेते हैं ये कार्ड क्या है। ये है 3 ऑफ क्लब्स। ठीक है, अब मैं आपको इसको ऐसे करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे करते हुए मैं जब भी जितना भी सफल करूं वो कार्ड हर वक्त रहेगा ऊपर में। ठीक है, हर वक्त, थोड़ा सा हाथ से स्लिप खा गया तो अभी भी देख सकते हो वो कार्ड ऊपर ही है। और एक बार करते हैं। ठीक है, ऐसे एक बार सफल कर लेते हैं। मैं आपको सफल अभी सिखा दूंगा, और भी अच्छा अच्छा टेक्निक मुझे आता है प्लेइंग कार्ड के साथ, तो अगर आप वो भी सीखना चाहते हो तो प्लीज मुझे कॉमेंट में बताइए, मैं आपको वो सब अलग से सिखा दूंगा। ठीक है, तो मैंने इतना सफल किया लेकिन वो कार्ड अभी भी है ऊपर। अब मैंने सफल कैसे किया? हिंदू सफल किसको बोलते हैं? जो हम लोग देसी तरीके से करते हैं इसको बोलते हैं हिंदू सफल। ओके, इसके लिए क्या था? इसके लिए था कुछ ऐसा, हमने डेक को ऐसे पकड़ा, ठीक है, मिडिल फिंगर और थंब से, और डेक को ऊपर से काट लिया, फिर पूरे कार्ड को इस उंगली को इधर फंसाया और इस उंगली से पूरा डेक को उठा लिया। ठीक है, मतलब ऐसा एक ब्रेक रहेगा। अब आप साइड से देख सकते हो एक बड़ा सा ब्रेक, लेकिन अगर आप सामने से देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, और आप जितना फास्ट करोगे लोगों को पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि मैं ये क्लास 6 से कर रहा हूं। ठीक है, तो सफल करते हैं और लास्ट वाला ऐसे फेंक देते हैं। तो ये हो गया टॉप में। अब इसको और भी कन्विंसिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक ऐसे सफल कर देंगे। ठीक है, और दाएं हाथ का कार्ड एकदम लास्ट में छोड़ेंगे, इससे क्या होगा ये ऊपर रह जाएगा। ओके, तो मान लीजिए यही ऑडियंस का कार्ड है जो कि हम रखे हैं ऊपर। अब हम अगर लोगों को अपना बोलेंगे कि आप 1 से 52 तक कोई भी नंबर बोलो, तब भी ये मैजिक होगा, क्योंकि इधर 1 से 52 तक कार्ड है। ओके, 52 कार्ड है इधर, लेकिन हम अगर 52 तक गिनेंगे तो बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है, मतलब लोग बोर हो सकते हैं और लोगों को ये इंटरेस्टिंग नहीं लग सकता है। लेकिन अगर आप उनके बर्थडे को पूछोगे, ठीक है, कि आपका बर्थडे कब है, हालांकि अमित का बर्थडे 2 तारीख को था तो वो बहुत ही फास्ट हो गया, लेकिन अगर किसी का बर्थडे किसी महीने होगा 25, 22, 12, 11, तो ये मैजिक बहुत ही यूनिक लगेगा। ठीक है, क्योंकि लोगों को समझ भी नहीं आएगा कि बंदा किया तो किया कैसे। आप बोलोगे देखिए
कार्ड अभी इधर मिक्स है ठीक है, लेकिन उस कार्ड को पता है आपका बर्थडे, तो वो अपने जगह पे है। अब आप बोलिए आपका बर्थडे कब है, वो बंदा बोलेगा 10, ठीक है। तो आप पहले साइलेंटली 10 काउंट कर लीजिए। 1, ये है ऑडियंस का कार्ड, यह ध्यान में रखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आप उनको पूछिए कि क्या तुम ये नंबर बढ़ाना चाहते हो, तो अगर वो बोले हाँ तो फिर आप बढ़ाइए, अगर बोले ना ना लोग नहीं बोलते ठीक है, लोग ऑलवेज मतलब स्टिक रहते हैं। लोग ऐसे हालात में लोग क्या सोचते हैं कि मैजिशियन शायद मतलब गलती करेगा, इसलिए मैं अपना नंबर बदलूंगा नहीं। ओके, तो आपने साइलेंटली 10 का काउंट कर लिया। अब आप इसको हटा दीजिए थोड़ा साइड में। अब जोर से काउंट कीजिए, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें लोगों को क्या लगेगा कि यही 10 नंबर कार्ड है, हालांकि ये 10 नंबर कार्ड नहीं है, ये टॉप वाला कार्ड है। तो अब आप उनको पूछो कि तुमने बोला है रैंडमली 10, मतलब तुम्हारा बर्थडे है 10 तारीख को, तो हमने 10 नंबर को लिया है। अगर तुम्हारा बर्थडे ऐसे दिखाइए, अगर आपका बर्थडे होता 9 तारीख को तो आप शायद इस कार्ड पे रुकते, और अगर आपका बर्थडे होता 11 तारीख को तो आप शायद इस कार्ड में रुके, लेकिन आपने रुका है 10 तारीख को, तो आपका कार्ड है ये, बोल के आप इसको दिखा दीजिए। हालांकि मैं ऐसे दिखा रहा था तो आप लोग समझ ही गए होंगे, आप लोग स्मार्ट हो, राइट। तो आई होप आप लोगों को ये मैजिक अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और प्लीज कमेंट में बताइए ठीक है। कमेंट आप लोग नहीं कर रहे हो और लाइक भी कम कर रहे हो, तो कमेंट करो, भरपूर कमेंट करो, जो अपना दिल का बात है वो मुझे कमेंट में बताओ, तभी ना मैं जान पाऊंगा। तो मिलते अगले वीडियो पे अच्छे मैजिक के साथ, तब तक बने रहिए मैजिक जोन पे, और ऐसे ही ऑसम मतलब मैजिक सीखते रहिए।